ये दोस्तों मेरे पास एक आईटेल का फ़ोन है जिसका मॉडल नंबर है ITEL A23। दोस्तों ये काफ़ी देर से जो है ऐसे ही जो है कर रहा है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ये हैंगिंग जो है कर रहा है दोस्तों। तो हैंग करने का जो है सलूशन जो है, आप इसको जो है कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने वीडियो जो है छोटा बनाने के कारण जो है ज़्यादा शॉर्टकट ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है काफ़ी देर तक जो है से मैं रखे हूँ और आगे की प्रोसेस नहीं हो रही है दोस्तों। तो अब तक में इसको जो है ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी देर से ये जो है ऐसे ही जो है बस चल रहा है, कुछ ऑन नहीं हो रहा। तो इसका सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। तो आपको निकालना है बैटरी, ये देखिए दोस्तों मॉडल नंबर देख सकते हैं आप, ITEL A23 है। तो मैं बैटरी को इंसर्ट करता हूँ, वॉल्यूम वो पावर बटन और प्लस है वॉल्यूम डाउन बटन। तो हमारे सामने ये कमांडे आ गई हैं, तो इसको मैं सिंपली जो है यहाँ से फैक्ट्री डाटा रीसेट पे क्लिक करूंगा और इसको जो है रिबूट कर दूंगा। अब देखते हैं दोस्तों कि ये अब वो वैसे भी हार्ड रिसेट करने पे जो है 2 से 3 मिनट लग जाएगा इसको ऑन होने पे। तो मैं दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ रख रहा हूँ, कोई कटिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, मैं बहुत अलग तरीके से वीडियो को बनाता हूँ दोस्तों। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वरना मत करिएगा। अगर जो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ तो हैंग होने की जो प्रॉब्लम होती है, तो ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था दोस्तों कि अगर फ़ोन हैंग करता है तो ज़्यादा करके दो ही कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि कुछ लोग जो है फ़ोन पे इतना डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ करप्ट फाइलें या फोटो वगैरह काफ़ी दिनों से पड़ी रहती हैं, या कोई प्ले स्टोर से ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो इन फ़ोनों का स्टोरेज जो है थोड़ा कम होता है। प्लस ये वायरस प्रोटेक्शन फ़ोन नहीं है ज़्यादा कि कुछ करप्ट फाइलों को जो है ये आसानी से रोक सके, तो इनका जो है पावर कम रहता है दोस्तों। तो जिसके कारण जो है जब फाइलों का भंडार जो है ज़्यादा भर जाता है, भरने के बाद इसका स्टोरेज जो है फुल हो जाता है। फुल होने के बाद जो है कुछ फाइलें करप्ट फाइलें जो है सॉफ्टवेयर को जो है करप्ट कर देती हैं। जैसे ही सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया दोस्तों, तो फिर उस पर जो है कभी ऑन होगा कभी ऑन ही नहीं होगा, काफ़ी देर बाद ऑन होगा। तो और हैंग करेगा, एक दबाओगे तो काफ़ी देर बाद एक दबेगा, कोई चीज़ चलाएंगे तो काफ़ी लेट में खुलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हार्ड रिसेट करने से जो है जो इंटरनल फाइलें होती हैं वो सारी फाइलें डिलीट हो जाती हैं। तो पहले आपको सॉफ्टवेयर करना है, वो पहले सॉफ्टवेयर तो इसका करना ही करना है, लेकिन पहले एक बार हार्ड रिसेट मार के देखने से क्या होता है कि मोबाइल की सेफ्टी होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फ्लैशिंग करने पर सेट डेड होने का रिस्क होता है। तो नॉर्मली पहले आप जो है हार्ड रिसेट करेंगे, हार्ड रिसेट करने पे जो है ज़्यादा करके 100 में से
80% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। अगर नहीं सॉल्व हो रही है तो सिंपली जो है मैं अपनी जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है फाइल दूंगा, फाइल की लिंक दूंगा, टूल की लिंक दे दूंगा, और इसका FRP बाईपास कैसे करना है उसका भी लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और मैं इसका वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो पे FRP का वीडियो जो है अपलोड करूँगा आप लोगों को। तो जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे आप भी इसको जो है फॉलो करिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो चुका है। तो आशा करूँगा दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए।